शहीद हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जयंती पर गवर्नमेंट का डबल स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी। व्हाट डू यू मीन बाय डबल स्टैंडर्ड, कैन यू एक्सप्लेन इट? सी गवर्नमेंट वन साइड दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट ऑफिशियली दैट टू इंडोर, ऑन द अदर हैंड दे आर नॉट लेटिंग पीपल टू सेलिब्रेट द जयंती। डोंट यू फील इट्स अ डिस्क्रिमिनेशन एंड डबल स्टैंडर्ड? व्हाट इज द यूज ऑफ सेलिब्रेटिंग जयंती? तो हमारा बताना यही मकसद है कि गवर्नमेंट कोई दूसरी जयंती में ऐसा नहीं करती, वही ओनली स्पेसिफिकली टू टीपू सुल्तान जयंती। क्या टीपू सुल्तान की ये गलती थी कि टीपू सुल्तान फादर ऑफ द सेकुलरिज्म थे, फादर ऑफ द रॉकेट थे, नेशनल इंटीग्रेशन के अलंबरदार थे, कम्युनल हारमोनी को हमेशा मेंटेन रखते थे? टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की क्या गलती थी कि हमारे हिंदू भाइयों को हर जगह मनादिर के लिए जगहें दिए? आखिर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? हमारे जो मोहब्बत टीपू सुल्तान शहीद से है, वो मोहब्बत का इजहार हमें क्यों करने नहीं दिया जा रहा है? ऑफिशियल लेवल पर इंडोर कर रहे हैं क्यों करने, जब ऑफिशियल लेवल पे नहीं था उससे पहले हम बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन करते थे। एक जगह खुश करने की बात कर रहे हैं, दूसरे जगह हमारी जो फीलिंग्स है उसे सप्रेस कर रहे हैं। तो ये हिपोक्रेसी है, ये अवाम के सामने हम लाना चाहते हैं कि ये ड्यूल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड पॉलिसीज कांग्रेस की हर एक इशू के ऊपर, माइनॉरिटीज के हर एक इशू के ऊपर। रिजर्वेशन की बात आती है, बात करते हैं, कम्युनल फोर्सेस बीजेपी कहती है कि अपीजमेंट है, फिर कांग्रेस वाले मुसलमानों को चॉकलेट देते हैं कि हम तो करना चाह रहे थे, बीजेपी वाले अपोज कर रहे हैं इसलिए हम नहीं कर सकते। आप ये बोलना चाह रहे कि गवर्नमेंट एक तरफ ये कह रही है कि यू हैव राइट्स, आप सेलिब्रेट कर सकते हैं टीपू जयंती, बट इंटरनली वही गवर्नमेंट टीपू जयंती सेलिब्रेट करने से रोक रही है। तो इट मीन दैट बॉटम लाइन के ये एक डिप्लोमैट है। नॉट डिप्लोमैट, इट इज ए हिपोक्रेसी। इट इज हिपोक्रेसी न सिर्फ सेलिब्रेट करने से रोक रही है, अगर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मैं आपके चैनल से अगर अनाउंस करूंगा कल मुस्लिम चौक पर फातिया खानी है तो मेरे को अरेस्ट कर लिया जाता है, खाली सेलिब्रेट करने के नहीं, कल अरेस्ट कर लिया जाता मेरे को। इसी तरीके से हमारे सदर उस्मान गनी साहब को इलकल से जब वो अनाउंस कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन नहीं दे रहा है, हमको जयंती नहीं करना है, ये कहकर अनाउंस करने पर उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट कर 353, 356, 155, 156, 157, 158 ये सेक्शंस उनके ऊपर लगाए गए हैं। जो सेक्शंस हैं स्टोन पेल्टिंग, पथराव करने के, पुलिस के ऊपर पथराव करने के। हमारे पास एक ऐसा वीडियो है जो वीडियो में पुलिस खुद रोड पर पत्थर रख रही है पंचनामे के टाइम पर और उसका रिकॉर्डिंग कर रही है अपने क्लेम को सही प्रूव करने के लिए। ये देखिए, ना सिर्फ सेलिब्रेट करने दे रही है बल्कि हमारे फीलिंग को सप्रेस कर रही है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेने पर इतनी नफरत, जबकि देश को टीपू जैसे शेरों की जरूरत है, ना कि कांग्रेस और बीजेपी के लीडर जैसे गीदड़ों की जरूरत नहीं है। इसीलिए टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर 100 साल की गीदड़ की जिंदगी से। और साथ ही साथ जो 28 अक्टूबर आंधोला चलो रैली में, जो पीसफुल रैली में 42 एंड अदर्स के ऊपर केसेस जो बुक हुए, किसके ऊपर केसेस बुक हुए, कौन से केसेस? 307 के अटेम्प्ट टू मर्डर, वो भी किसका अटेम्प्ट टू मर्डर? पीएसआई का अटेम्प्ट टू मर्डर। और पीएसआई का अटेम्प्ट टू मर्डर झूठा फॉल्स एलिगेशन, फॉल्स केस फिट करते हैं और पीएसआई साहब 28 को रैली होती है, 31 को एफआईआर बुक करते हैं। ये माइनॉरिटीज के साथ ये कितना डिस्क्रिमिनेशन और कितना सप्रेस करने की कोशिश। और मगर हमारी फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है कि जितना हमें दबाएंगे उतना हम उभरेंगे इंशाल्लाह ताला। एसपी साहब से हमारी बात हुई है और हमने डिमांड किया है कि वो 42 एंड अदर्स के ऊपर जो केसेस 307 में बुक हुए हैं एसडीपीआई की रैली में, वो बी फाइनल रिपोर्ट फाइल किया जाए, उस
केस को क्लोज किया जाए और उस्मान गनी साहब को जो अरेस्ट किया गया है उनको इमीडिएटली रिलीज करते हुए उनके केस में भी फाइनल रिपोर्ट फाइल करते हुए केस को क्लोज किया जाए, वरना MIM इज गोइंग टू स्टार्ट एजिटेशन फ्रॉम टुमारो थ्रू आउट द स्टेट ऑफ गुलबर्गा दिल्ली।